सराफा दुकानदारों द्वारा स्वर्णकार कारीगरों का शोषण किए जाने के विरोध में स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति ने 8 और 9 सितंबर को दुकान बंद रखने का ऐलान किया है, जिसके संबंध में मीडिया से रूबरू होते हुए स्वर्णकार कारीगर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि सभी स्वर्णकार कारीगर जो डाई, सफाई, सिलाई, तार खींचने, दाना उठाने, अंगूठी बनाने, पायल साफ करने, मंगलसूत्र की गुठाई सहित सभी छोटे बड़े कारीगर 2 दिन अपनी दुकान बंद कर सराफा दुकानदारों के किए जा रहे शोषण के विरोध में आवाज उठाए। उन्होंने कहा कि कारीगरों की मजदूरी 7% किया जाए, जिससे उनका शोषण ना हो सके। उन्होंने कहा कि स्वर्ण कारीगरों की समाज में स्थिति बहुत ही दयनीय है। कई कारीगर इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय से जुड़े जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा, आज हम प्रदीप कुमार वर्मा, स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष, ये प्रेस वार्ता हम लोग इस नाते कर रहे हैं कि आज हमारे समाज के सारे कारीगर भाइयों की मजबूरी को लेकर के उनकी मजदूरी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिससे उनका दयनीय स्थिति है, बदतर से बदतर होता चला जा रहा है और कोई भी देखने वाला नहीं है। हम प्रशासन से, खास तौर से अपने पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि सराफा व्यवसायी लोगों से हम लोगों की मजदूरी उचित दिया जाए, ताकि हमारे समाज का स्थिति सही हो सके, कारीगर भाई अच्छे से रह सकें, उनका भरण पोषण हो सके। इस नाते क्या मांगे आप? हम लोग की मांगे यही हैं कि हम लोग 7 टन वेस्टेज, जो कि हमारे समाज में हम लोग समझते हैं, हो सकता है आप लोग इस चीज़ को ना समझ पाएँ, तो उस चीज़ को हम लोग 7 टन वेस्टेज, जैसे मजदूरी हो गया, इस चीज़ को हम लोग ले कर चलें कि इतना हम लोग को चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। इस नाते हम लोग अपने 2 दिन की बंदी भी किए हैं। अगर हम लोग की मांगे सराफा मंडल, सराफा व्यवसाय अगर नहीं पूरा करते हैं, तो हम अनिश्चितकालीन बंदी भी जा सकते हैं।